हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको स्टूडेंट में बताने वाली हूँ एमडीयू के बारे में, आपको किस तरह से इसमें एडमिशन लेना है, कौन कौन से इसमें कोर्सेज होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो फिर आपके वेबसाइट को सबसे पहले पता चल जाए। यहाँ पर दिया गया एमडीयू रोहतक एडमिशन 2023 एप्लीकेशन सून डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस, यहाँ पे दिया होगा इसका फुल फॉर्म। देन यहाँ पे आपको सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाइस्ट क्वालिफिकेशन एंड देन आपको गेट फ्री काउंसलिंग में क्लिक करना रहेगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे दिया गया महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटीज़ का फुल फॉर्म है एंड इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्दी रिलीज होंगी एंड यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और ये 1977 में स्टार्ट हुआ था। देन यहाँ पे हरियाणा में है ये एंड नोटिफिकेशन आया कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज होंगे। यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्या गुड न्यूज़ है, इंडिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ में पारुल यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन है स्टार्ट ऑफ रिफ्लो में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप यहाँ से जो अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका हाईलाइट्स दिया गया, जैसे आपको यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, यूनिवर्सिटी का नेम है एमडीयू एंड देन यहाँ पे दिया गया है फुल फॉर्म इसका महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे कोर्सेज ऑफर किए, यूजी, पीजी एंड डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। एप्लीकेशन मोड आपको ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम मोड नहीं बताया गया अभी, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पर, हेल्पलाइन नंबर है। फिर यहाँ पे इसके वाइस चांसलर हैं रजबीर सिंह, इसके वाइस चांसलर हैं एंड स्टेट हरियाणा में है इंडिया, मतलब इंडिया के हरियाणा में है ये। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे कि किसी भी डेट आता है जैसे नोटिफिकेशन का या एप्लीकेशन फॉर्म से डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब से किसी भी डेट आएगा तो आपको इस वेबसाइट से सबसे पहले पता चल जाएगा या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। देन आपको अपना सारे इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है, जैसे आपका नेम, आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन वहाँ पर आपको अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देना रहता है। तो इस तरह से आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है एंड आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना रहता है। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, यहाँ पे कौन मतलब कौन सी कैटेगरी से इसमें एलिजिबल है, कौन कौन से कैंडिडेट्स। देन यहाँ पे दिया गया आप अगर पीजी कोर्सेज में लेना चाहते हैं कोर्स तो आपका जो 50% होना चाहिए, ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस फ्रॉम अ फैमिलियर यूनिवर्सिटी बट सम कोर्सेज द मिनिमम कट ऑफ कुड बी एडवांस्ड एंड यहाँ पे दिया गया है SC NST कैटेगरी के लिए 5% दिया गया है एंड यहाँ पे 50% दिया गया यूजी कोर्सेज के लिए 12th में। देन यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, देन हाउ टू प्रिपेयर, किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है, उसके बाद आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको देखना रहता है एंड देन आपको उसके लिए नोट्स बनाने रहते हैं, देन नोट्स के थ्रू आपको अपनी स्टडी करनी रहती है एंड देन यहाँ पे एडमिट कार्ड दिया गया है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज पहले होती है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है, क्लिक करते अपने पेज में ओपन हो जाएंगे, वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड आपको अपना रोल नंबर टाइप करना रहेगा। उसके बाद आप जो अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे, अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर रिजल्ट दिया गया, रिजल्ट एग्ज़ाम में कुछ दिन बाद आते हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आज आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है, क्लिक करते अपने पेज में ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड आपको अपना रोल नंबर टाइप करना रहता है, उसके बाद आप जो अपना रिजल्ट देख सकेंगे। देन यहाँ पे एडमिशन काउंसलिंग दी गई, आपको किस तरह से इसमें एडमिशन लेना है। देन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर अगर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।